नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवकॉन स्टॉक और तुमने यूट्यूब चैनल में आज इस दिस वेब सीरीज में हम सेकंड की वेब सीरीज है, ये वेब एपीआई की है, ये स्पिटोटेंट कोड वेब एपीआई। तो इसमें हम क्या करेंगे इन दिस वीडियो में, आज इसमें कोड ऑपरेशन के तरीके से एपीआई डेवलप करेंगे, ओनली डेवलप। इसमें बनाएंगे गेट पोस्ट और एडिट्स, दिस टाइप्स की एक तरह से प्रॉपर ढंग से कोड ऑपरेशन की। जो मेरी फर्स्ट सीरीज थी इसमें मैंने स्वैगर्स को इम्प्लीमेंट करने से कहा, तो इन दिस वीडियो में आप देखेंगे कैसे हम एक एपीआई को पूरा एक प्रॉपर ढंग से डेवलप कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो हाउ टू लर्न। सेकंड फर्स्ट वीडियो हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो हम पहले हम इसमें क्या करते हैं, हम एक लाइब्रेरी सेट करते हैं, लाइब्रेरी सेट करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर इसका जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है उसको भी हमें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल्स है, ये डेटाबेस है एम्प्लॉई का, और इसमें एक कॉन्टेक्ट्स की टेबल है, और इसमें दिस टाइप्स फील्ड्स हैं। तो पहले मैं एक लाइब्रेरी सेट कर देता हूँ कोर में। तो मैं पहले तो इसका एक स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ प्रॉपर ढंग से, एंड इसके बाद फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं इसमें एक फोल्डर सेट करता हूँ, इसमें लिखता हूँ प्रेजेंटेशन, एंड सेकेंड फोल्डर्स मेरा जो रहेगा वो लाइब्रेरीज का रहेगा। तो सेकंड फोल्डर्स रहेगा हमारे लाइब्रेरीज का फोल्डर्स रहेगा, और हम इस जो भी हमारा ये प्रोजेक्ट की फाइल है इसको हम कट पेस्ट करके इसमें प्रेजेंटेशन में पेस्ट कर देते हैं, और सेकंड जो भी हमारे जो क्लास की लाइब्रेरी होगी लाइब्रेरीज में ऐड रहेगी। तो अब हम प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो हमने एक कट पेस्ट किया तो यहाँ से ये चीज़ हट चुका है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद अब मैं यहाँ पर जाता हूँ सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे फोल्डर्स फिर पे जाना है, बस ओनली फोल्डर्स फिर। इसमें यहाँ पे हमारे प्रेजेंटेशन का प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, यहाँ पे एक वेब एपीआई का एसएलएनस आ रहा है क्लिक, बस आपको ये सिलेक्ट करना है, और दिस टाइप्स हमारा ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज से ओपन हो जाएगा। तो इसमें हम राइट क्लिक करके एक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऐड न्यू सॉल्यूशन फोल्डर्स, यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंटेशन जो हमने बैकग्राउंड में जो भी हमने बनाया था, सेम स्ट्रक्चर उस टाइप का बना, और सेकंड वन है हमारा लाइब्रेरीज सेकंड स्ट्रक्चर, और हमें एक लाइब्रेरीज भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ न्यू प्रोजेक्ट में जाता हूँ, यहाँ पे लाइब्रेरीज चॉइस करता हूँ इसमें, क्योंकि हमारा ये कोर का प्रोजेक्ट है तो हमें कोर की लाइब्रेरीज चॉइस करनी पड़ेगी। शी शार्प में यह है क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट स्कोर, देन यहाँ पे नेक्स्ट, और मैं इसकी फोल्डर्स की जो लोकेशन है मैं इसको बस थोड़ा सा फोल्डर की लोकेशन चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय कोर, ये लिखते हैं वेब एपीआई कोर, जो भी हमारा जो डोमेन्स होगा, यानी जो भी हमारे एक डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर की फाइल्स होगी जो भी, तो इसके अंदर सब पूरा डेटा मैनेज करेंगे मेनली। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस करता हूँ यहाँ पे, जो मेरा इसका देख लेते हैं, और इसका वर्जन जो सा डॉट नेट कोर यूज़ किया है वो कौन सा वर्जन है फर्स्टली, तो सही हमारा डॉट नेट कोर 3.1 है, तो ये परफेक्ट है, और हम इसमें भी डॉट नेट कोर यूज़ कर रहे हैं, ये 2.2 है, ओके 2.2 है, ठीक है 2.2 है, तो हम इसे भी 2.2 यूज़ कर लेते हैं। तो हम जाते हैं वेब एपीआई कोर्स में, और इसमें डॉटेड स्कोर 2.2 सेलेक्ट करते हैं, जो हमारे वर्जन के अकॉर्डिंग बस उसमें बस थोड़ा सा स्टार्टअप्स की फाइल कुछ चेंज होती है, बस उसमें वही होता है वहाँ मेरे लिए, और कुछ नहीं होता। तो हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं इससे कर देता हूँ, मैंने रिबूक कर दिया प्रोजेक्ट को, और प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पर एग्जिस्ट प्रोजेक्ट लोकेशन चॉइस करनी पड़ेगी, और देन यहाँ पे वेब एपीआई, और देन यहाँ पे ऑटोमेटिक्स इन बिल्ड। तो हमारे पास जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इस टाइप से स्ट्रक्चर से प्रॉपर ढंग से रहेगा। तो हमारा ये है वेब एपीआई का,
और ये एसएलएस से नहीं, ये एसएलएस बाहर होना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो मैं डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो डुप्लीकेट क्रिएट होगी। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है बस एक ही होगा सिंगल, तो सिंगल्स शायद वो लोग ले रहा हूँ, कोई नहीं, कोई इशू। तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे कट करते हैं और देन पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट ऑलरेडी। हम इसी को ओपन कर लेते हैं और इसको हम प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर से वो भी एक प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी डेवलपर्स होता है तो उसको अंडरस्टैंडिंग करने में ईजी हो जाता है मेंटेन। तो हमारे पास ये पूरा प्रॉपर ढंग से स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। अगर मैं ये फोल्डर्स व्यू करूँ, देन यहाँ पे मैं सी स्कैन तो सॉल्यूशन स्कैन हो रहे हैं। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, अपना प्रोसेस करते हैं, फिर अभी क्रूड ऑपरेशन हमें करना। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो ये क्लास है हमारे पास, तो मैं इसको एक डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर सेट करता हूँ। फोल्डर्स में नाम लिख देता हूँ डोमेन, और हम इसका वर्जन भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक 2.2 है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे जाके ऐड करना है। तो हमें तो एक .NET स्कोर हमने लाइब्रेरी से ऐड करा है, तो हमें एक और चाहिए सर्विस के लिए, सर्विस बनाए क्लास लाइब्रेरीज के अंदर बनाएंगे, डेट्स रीजंस में चाहिए ये .NET स्कोर का रहा हुआ। तो लोकेशन भी दे देते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं वेब API.service। यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया मेल, तो सिंपल सा है। और इसका जो वर्जन है वो भी हमें चेंज करने की जरूरत है मैम इस टाइम। तो हम जो यूज कर रहे हैं 2.2 यूज कर रहे हैं, तो दोनों के लिए सेम वर्जन होना चाहिए, दैट्स नेसेसरी। और यहाँ पे हम अपनी क्लास को कर देते हैं, तो हमारे पास ये दिस टाइप्स हो गए। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स का हमारे पास टेबल्स है, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट्स की टेबल है, दिस टाइप्स कॉन्टैक्ट्स की टेबल्स है। इसमें क्या है कि हमें कॉन्टैक्ट्स के सर्विस बनाने, इस टाइप्स हमने फोल्डर्स क्रिएट कर रखा है। अब हम एक न्यू मैनेज टू न्यू गेट पैकेज मैनेजर्स में जाना है, और यहाँ पे जाना है ब्राउज में, ब्राउज में हमें यूज करना है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, यहाँ पे लिखना है एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पैकेज, और जो हमें सिलेक्ट करना है वो 2 के अंदर से 2.2.6, ताकि ये वर्जन 2.0 या 2.2 को सपोर्ट करे। तो मैं टू कोर यूज करना है दिस, यहाँ पे बस सिर्फ इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल पे हमने क्लिक किया तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। और हमें और एक ये चीज SQL सर्वर पैकेज, अभी हमारे पास जो पैकेज इंस्टॉल हो HTTP फ्रेमवर्क कोर, और एक हमारे पास SQL सर्वर कर ले रहे थे, इसमें भी सेम इज 2.2। ये आपको .NET के जो पैकेज हैं इसको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको अगर इंस्टॉल करोगे तो अनकम्पेटेबल्स होगा, तो डेट्स वाई प्रॉब्लम करेगा। और एक हम ले लेते हैं टूल्स का ले लेते हैं, और दिस टाइम्स 2.6 ले लेते हैं। टूल्स के बाद ये डिज़ाइन है, दिस इज लास्ट वन। वो इसमें गलती हो गई, मैंने जो पैकेज था वो सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है कोई नहीं, इंस्टॉल करते देखे ऑलरेडी इसने एरर देते, सो दिस टाइप्स एरर्स की प्रॉब्लम करता है, तो आप चेक करके इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं।
अब हम क्या करते हैं, लाइब्रेरीज को ऐड करते हैं फर्स्टली। तो यहाँ पे जाना है हमें डिपेंडेंसीज के अंदर, यहाँ पे जाना है ऐड सर्विस के अंदर, और यहाँ पे वेब एपीआई स्कोर सिलेक्ट करना है। ओके ये पे क्लिक करते ही प्रोजेक्ट मेरे पास ऐड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सर्विस ऐड करना होगी। यहाँ पे जाना है डिपेंडेंसी में, ऐड ओनली सर्विस, नॉट दोनों ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस वन करना है ओनली, क्योंकि एक तरह से एक चैन सिस्टम बन प्रॉपर ढंग से। ठीक है, अब इतना हो गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले तो एक कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं। पहले तो फर्स्टली क्रिएट करना चाहिए था डेटाबेस। अब पहले मैं इसका व्यू दिखा देता हूँ, जो भी हमारे जो पहले इससे डिफॉल्ट में बने हुए क्या क्या बना हुआ है। रेड सीरीज एंड आई विल सी इट प्रॉपर लिंक से। तो ये भाई सब कह रहे हैं एग्जीक्यूशन में। ओके तो एक बार हम बिल्ड प्रोसेस करते हैं, फर्स्ट बिल्ड कर देंगे तो इसमें पता लगेगा क्या क्या एरर है क्या नहीं है। रेड सीरीज है, ओके बिल्ड्स कर दिया हमने। और एक्चुअली क्या है, हमने जो ये सिलेक्ट है डॉट नेट स्कोर सिलेक्ट है, तो इस टाइप से प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वेब एपीआई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ देन कंट्रोल F5 विदाउट डिबगिंग। एक्चुअली ऑलरेडी मैंने इसमें क्रूड ऑपरेशन कर रखे हैं, जो हमारे पास ट्यूटोरियल्स हैं ये ASP.NET कोर्स, तो इससे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। लेटेस्ट वर्जन में 2.2 में ही आई थिंक, हाँ 2.2 में है, या 2.2 में ही है। हमने एप्लीकेशंस को रन कर दिया तो हमारे पास ये स्वैगर्स आ गए। तो अभी हमारे पास ये दिस टाइप्स हमने API बना रखी है, प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट किया है, बस एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर ढंग से। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डेटाबेस सेट करते हैं फर्स्टली दिस टाइम्स। तो डेटाबेस सेट करते हैं फर्स्टली, तो हम पहले तो हमें एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर देते हैं, टेक्स्ट इसमें हमने एक जो हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर का जो कोड क्रिएट करेंगे तो उसमें हम कोड पेस्ट कर देते हैं सिंपल। तो मैं यहाँ पे बस मेरे को क्या लिखना है, जनरेट db.txt टेक्स्ट फाइल, इन्फॉर्मेशन के लिए रख रहा हूँ बस। एग्जैक्टली व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये हमने कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और टैग्स ये है प्रॉपरिंग से स्कैप होल्डिंग्स करके है, और यहाँ पे सर्वर्स का नेम है। पहले तो अपना सर्वर्स का नेम असाइन कर देता हूँ करके, देन इसे मैंने डिलीट किया। ये सर्वर्स का नेम हो गया, और डेटाबेस का क्या नाम है हमारा, एम्प्लॉय। और इंटीग्रिटी सिक्योरिटी 2 है, और ASP.NET स्कोर यूज करेंगे सिक्योर सर्वर्स, क्योंकि ये एंटीट्री डिपेंड ऐड किया हुआ है एक्जेक्टली। और जो फोल्डर्स का नाम है आउटपुट डायरेक्टरी वो डोमेन्स है, और यूज करते हैं ताकि फोर्सली। तो हम जाना है टूल्स में, जाना है टूल्स में, जाने के बाद आपको जाना है न्यू गेट पैकेज मैनेजर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेब API कोर एक सिलेक्ट होगा, और देन यहाँ पे पेस्ट पेस्ट करने के बाद बस एंटर मारना है आपको। और तो ये ऑटोमेटिक्स जो भी हमने टेबल्स बनाई है वो उसका एक कोड या एंटिटी फ्रेमवर्क पर एक जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये एंटिटी फ्रॉम फ्रेमवर्क कोर्स की बेनिफिट है, कोड फर्स्ट अप्रोच है दिस। तो ये मेरे को बेटर लगता है थिंक, तो मैं इसको कट पेस्ट कर देता हूँ दिस टाइम्स। ओके अब हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पे जनरेट में यूज़ किया था, तो हमारे पास ये कनेक्शन भी हो गया प्रॉपरली, तो इस कनेक्शन को भी यूज़ करना है फर्स्टली। तो मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ ऐप सेटिंग्स में, और ऐप डेवलपमेंट GSN। अब मैं ऐप डेवलपमेंट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसका रीज़न है क्योंकि अब वेब API पे जाओगे, यहाँ पे अगर एनवायरमेंट्स चेक करोगे तो आप उसमें देखोगे कि वेब डेवलपमेंट्स है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद से प्रॉपर्टीज़ में गए, और प्रॉपर्टीज़ में जाने का डीबग,
डिबग्स में गए, एनवायरमेंट में गए, डेवलपमेंट लिखा हुआ है और डेवलपमेंट इससे मैच होता है बीच में जो डेवलपमेंट से लिखा। तो एग्जैक्टली कॉमा लगा के हम लिखते हैं यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग देन ब्रैकेट्स ओपन कनेक्ट, कनेक्ट यूज कर देते हैं या फिर हम यूज कर देते हैं वेब एपीआई, वेब एपीआई कनेक्शंस करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं जो भी हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया था एग्जैक्टली। तो एक बार हम कंट्रोल चैट करते हैं और देन फिर यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, तो दिस टाइप से ये पेस्ट हो गया कनेक्शन, ये हमारे पास प्रॉपर ढंग से एक बन चुका है। तो ये कॉमर्स हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं इस हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर तो एक प्रॉपर ढंग से बन चुका है, तो अब हमें क्या करना है कि स्टार्टअप पे जाना है, स्टार्टअप्स पे कॉल भी करना है। एक जो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट की फाइल होती है, एम्प्लॉई कॉन्टेक्स्ट की फाइल होती है, इसे हमें एक कॉल करना होता है और स्टार्टअप्स पे। फर्स्टली क्या करना है आपको, यहाँ जाना है सर्विस में, सर्विस जाना है ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है और एम्प्लॉई कॉन्टेक्स्ट फाइल्स टैब्स यूज करनी है आपको। और यहाँ पे जाएंगे सेम्स आइकन्स मिलेगा और देन यहाँ पे यूज़। अब इसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ करना है ब्रैकेट्स ओपन, ब्रैकेट्स ओपन और यहाँ पे लिखना है ऑप्शंस, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करना है, ऑप्शंस डॉट यूज SQL सर्वर यूज़ करना है और देन यहाँ पे यूज़ करना है configurations dot get connection section और यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट करना है जो हमने कनेक्शन का नाम दिया था एग्जैक्टली क्या दिया था, यहाँ पे वेब एपीआई कनेक्शन के नाम से दिया था। स्टार्टअप्स में जाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो हमारे पास ये डीबी कॉन्टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी सी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम पहले सर्विस बनाते हैं, फर्स्टली बनाते हैं, पहले हम एक इंटरफेस बनाएंगे, यहाँ पे लिखना आई कॉन्टेक्ट सर्विसेज, आई हमने यूज किया है ताकि आई जो डेडिकेट होता है वो इंटरफेस के लिए यूज होता है और यहाँ पे हम यूज करते हैं पब्लिक इंटरफेस। और सेकंड हम क्लास ऐड कर देते हैं, सेकेंड क्लास लिखते हैं कॉन्टेक्ट सर्विसेज और इसको हम इंटरफेस को अप्लाई कर देते हैं, कॉन्टेक्ट सर्विसेज इंटरफेस हमने अप्लाई कर दिया। और इंटरफेस का जो बेनिफिट्स है, अगर हम इंटरफेस में जाएं F12 से, तो ये इंटरफेस है। अब इसमें मेथड्स के नेम्स हमें डिक्लेयर करने हैं फर्स्टली, तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड्स होगा वो बूलियंस टाइप रिटर्न करेगा। और इसमें क्या करना है, मैं कॉन्टेक्ट ऐड करना है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो भी है ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिएट, क्रिएट्स का मेथड्स बना देते हैं और यहाँ पे जो हम पैरामीटर्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्टेक्ट्स। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास डोमेन्स का जो कॉन्टेक्ट्स की जो क्लास है, तो उसमें क्या है, आईडीज, फुल नेम्स और क्रिएटेड लास्ट अपडेटेड है। तो हमें दो कॉलम्स नहीं चाहिए, हमें बस ये तीन कॉलम्स चाहिए। तो हमें एक यहाँ पे एक फोल्डर्स बना लेते हैं मॉडल्स के नाम से, यहाँ पे एक फोल्डर्स बना लेते हैं मॉडल। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, नाम को अगर हम थोड़ा सा यूनिक रखें तो बेटर रहता है, यूनिक रखने से सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपल से लिखना है यहाँ पे ओनली कॉन्टेक्ट, सॉरी कॉन्टैक्ट मॉडल, ये नाम लिखना है और ऐड पे क्लिक करना है, तो ये ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। एक्चुअली क्या होता है कि आईडी सब में कॉमन होती है, दैट्स गुड। तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, यहाँ पे जाना है कोर्स में जाना है और
यहाँ पे जाने क्लास में, और क्लास में यूज करते हैं बेस एंटिटी, बेस एंटिटी यूज करते हैं, और हम इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, पब्लिक इनिट आईडी एंड गेट एंड सेट। तो इसे यूज करते हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब इससे बेनिफिट्स क्या होगा, तो हमें यहाँ पे आईडीज डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ बेस एंटिटी लिखना है ओनली। तो ये ऑटोमेटिक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक्स आईडीज डिफाइन कर लेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब हम सर्विस को बनाना जरूरी है, तो पहले सर्विस कंप्लीट करते हैं। सप्लेस जो रिटर्न टाइप से होगा बुलियंस होगा, और इसमें होगा ऐड कॉन्टैक्ट डिटेल। ये क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स को ऐड करेगा। तो हमने जो मॉडल्स बनाए थे कॉन्टैक्ट पैरामीटर्स ले लेते हैं, कॉन्टेक्ट मॉडल, और यहाँ पे मॉडल्स लिख देते हैं। तो हमारे पास ऐड का मेथड्स हो गया, और सेकंड वंस क्या है हमारे पास, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट रिटर्न टाइप्स हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कैट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, इनिट आईडी। तो आईडी के बेस में एक प्रॉपर ढंग से यहाँ पे डिटेल्स देगा, और एक हम ले लेते हैं लिस्ट टाइप, यहाँ पे ले लेते हैं आई यूनिवर्स, और यहाँ पे ले लेते हैं कॉन्टेक्ट मॉडल्स, ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते कॉन्टेक्ट ले लेते हैं, ताकि जो भी कॉन्टेक्ट की सारी डिटेल्स आ जाएगी हमारे पास। तो मैं पहले यूज कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग्स बेसिकली कॉन्टैक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो तीस टैग्स हमारे पास क्लास है कॉन्टैक्ट का, और हम सर्विस में जाते हैं, इंटरफेस में जाते हैं फर्स्टली, और यहाँ पे हमने पेस्ट किया, और देन यहाँ पे ले गए आइकन्स। तो ये क्या हो रहा है कि अच्छा ओके, ओके तो एक्चुअली क्या है, इसमें कॉन्टेक्ट हमने मॉडल्स बनाया है इसमें, और ये कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे लिखते हैं गेट कॉन्टेक्ट लिस्ट इज इक्वल टू क्लास। तो ये कॉन्टेक्ट पे जाते हैं, और इसमें नेम स्पेस ओके। तो एक्चुअली इसमें शायद ये कन्फ्यूज हो रहे हैं, हम इसको बता देते हैं कौन सा यूज करना है, वेब एपीआई कोर। हम ऐसा करते हैं कि कॉन्टेक्ट मॉडल से यूज कर लेते हैं, नो इशू। लिस्ट टाइप से हम क्रिएट कर लेंगे, नो इशू। और ये हमारे पास ऐड का मेथड्स हो गया, और ये गेट बाय आईडी हो गया, और ये लिस्ट हो गया हमारे पास, हमारे पास लिस्ट हो गया यहाँ पे, ये लिस्ट हो गया, गेट बाय आईडी हो गया, और एक एडिट्स का मेथड्स बना देते हैं यहाँ पे, बूल्स टाइप्स बना देते हैं एडिट्स का मेथड्स। तो ये हो जाएगा पास एडिट कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट जो भी डिटेल्स हैं, और यहाँ पे हम पास कर देंगे कॉन्टेक्ट मॉडल्स, और जो भी पैरामीटर्स में है मॉडल्स देंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, एक डिलीट्स का मेथड भी चाहिए। तो सेम एज बुलियन टाइप डिलीट कॉन्टेक्ट इनिट बाय आईडी, आईडी के बेस पे डिलीट होगा, तो डेट्स टाइप आईडीज। तो हमारे पास ये पूरा इंटरफेस का एक स्ट्रक्चर्स प्रॉपर ढंग से तैयार हो चुका है। तो अब हम जाएंगे क्लास में जाएंगे, क्लास में जाने के बाद सिंपल जाना है, यहाँ पे माउस ले जाना है आपको। तो यहाँ पे अभी कंट्रोल्स फुल स्टॉप यूज करेंगे, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स का मेथड्स आ जाएगा, इम्प्लीमेंट्स कर देना है। तो अब हमें सबसे पहले क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, CTR लिखना है, और टैब्स क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। और इसमें लिखना है प्राइवेट रीड ओनली, और जो हमारी कॉन्टेक्स्ट की फाइल थी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स्ट, इसको कॉल करना है सीधे डायरेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स्ट
सेम एज यहाँ पे यूज करने कॉन्टेक्स्ट एंड देन इस कॉन्टेक्स्ट फाइल. ओके गॉट इट. अब सबसे पहले हमारे पास जो मेथड्स है वो लिस्ट टाइप्स का हम पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद में करते हैं कुछ और. तो ये लिस्ट टाइप्स से मेथड्स हमारा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो इसमें क्या करना है, इसमें वैल लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और ये कॉन्टेक्स्ट डॉट टू लिस्ट यूज करना है. जो भी हमें लिस्ट में है वो सारी डिटेल्स आ जाएगी. और यहाँ पे यूज करना है इफ. इफ यूज करना है और यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट काउंट. अगर ये जीरो से इसकी जो कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स है अगर इसमें कुछ है तो ये क्या करेगा, फोर ईच की कंडीशन में जाएगा, फोर ईच में जाएगा. और यहाँ पे वैल्स आइटम्स यूज करेंगे, इन करेंगे, कॉन्टेक्ट यूज करेंगे. तो एक्चुअली क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको मेथड्स को सिंपल से बनाते हैं फर्स्टली. तो हम यूज़ करते हैं थोड़ा सा लिंगी का दूसरा स्ट्रक्चर यूज करते हैं. यहाँ पे यूज करते हैं ब्रैकेट्स ओपन फ्रॉम, यहाँ पे सिंपल से लिखते हैं, यहाँ पे फ्रॉम सी इन ये जगह कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जगह कॉन्टेक्ट, और देन यहाँ पे क्लिक. क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट अ न्यू कॉन्टेक्ट मॉडल, कॉन्टेक्ट मॉडल्स यूज करने हैं, और देन यहाँ पे कल दिस ब्रैकेट्स ऑन, और यहाँ पे आपको कंट्रोल स्पेस यूज करना है, और यहाँ पे आईडीज आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है सी डॉट आईडीज डिफाइन करना है. और सेकंड वन है हमारे पास फुल नेम है, तो यहाँ पे लिखना है सी डॉट फुल नेम, और दिस वन इज ईमेल आईडीज इज इक्वल टू सी डॉट ईमेल्स आईडी. लास्ट वन इज मैसेज, तो सी डॉट हो जाएगा यहाँ पे मैसेज. यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्लोज ओपन करके एक बार क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे टू लिस्ट डिफाइन कर देते हैं डॉट टू. अब इसमें आप अगर देखोगे थोड़ा सा इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं कॉन्टेक्ट. तो अब हम इसे लिख सकते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट लिख सकते हैं प्रॉपर ढंग से, कॉन्टेक्ट लिस्ट रिटर्न हो जाएगा. तो यहाँ पे जो इसका लिस्ट हो गया, कॉन्टेक्ट मॉडल्स हो गया, दिस टाइप्स डिफाइन हो जाएगा. अब हमारे पास लिस्ट टाइप्स मैथड्स एक प्रॉपर ढंग से बन चुका है, और सेकेंड मैथड्स हैं दिस टाइप्स को अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे. हाँ, तो हमारा सेकेंड मेथड से ऐड कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स. तो अब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो इसमें फर्स्टली करने क्या है आपको, इसमें जाना है यूजिंग, यूज करना है यूजिंग वेर ट्रांजेक्शन्स यूज करने, और यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स डॉट डेटाबेस डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन्स, और आपको यूज करना है यहाँ पे ट्राई कैच टी आर वाई लिखना है, और यहाँ पे टैब भी क्लिक करना है दो बार क्लिक टैब, तो देन ये पूरा स्ट्रक्चर्स प्रॉपर ढंग से क्रिएट हो जाएगा. क्रिएट करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ऐड करना है, हमें तो यहाँ पे लिखना है वेर कॉन्टेक्ट यूज करते हैं, और इज इक्वल टू करते हैं न्यू कॉन्टेक्ट. दिस टाइप्स है न्यू कॉन्टेक्ट्स करके, और इसमें हम एक बार नेम स्पेस भी कॉल कर देते हैं. तो इसमें हम लिखते हैं यूजिंग वेब एपीआई डॉट कोर यूज करते हैं, तो कोर्स में स्ट्रक्चर्स नहीं आ रहा, नो इशू. हम इसे करते हैं कॉपी करते हैं, और देन डोमेन्स भी हैं ऑलरेडी पे. एक्चुअली टाइम यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, आई डोंट नो क्यों नहीं मैच. ओके, एक्चुअली क्या है कि जो हमारे पास ये नाम है, कॉन्टेक्ट्स का नाम है, फोल्डर्स का नाम, दैट्स रीजन ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स कर रहा था. अगर मैं इस फोल्डर्स का नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कॉन्टेक्ट्स एस लगा देता हूँ, कॉन्टेक्ट्स लगा देता हूँ, तो देन यहाँ पे ये कन्फ्यूज नहीं होगा. That's the reason.
यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था, तो अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया लेकिन अभी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी एस कर देते हैं और इंटरफेस में भी एस यूज़ कर देते हैं। कॉन्टेक्स्ट सर्विस में ऑलरेडी एस है, देन ये अब कॉल कर रहा है प्रॉपर से, तो इसी वजह से वो नहीं आ रहा। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत सी आती रहती है बीच में। तो अब हमें आईडी पे करना है और यहाँ पे लिखना है मॉडल्स, क्योंकि हम क्रिएट करने तो हमें आईडीज की ज़रूरत नहीं है, और हमें क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए। इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फुल नेम आएगा, और सेकंड वन है हमारे पास है ये टाइप्स, फुल नेम हो गया और सेकंड हो गया हमारे पास ईमेल आईडी। इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट ईमेल आईडी, और थर्ड वन हो गया हमारे पास मैसेज, मॉडल्स डॉट मैसेज। और जो हमारे पास क्रिएट है, क्रिएट ऑन किस डेट को क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे डेट, टाइम यूज करेंगे और यूटीसी ऑन करेंगे नाउ, और लास्ट अपडेटेड ऑन कब अपडेटेड हुआ है, तो ये भी यूज करने है, तो दिस टाइम्स। अब हम यूज़ क्या करने हैं, कॉन्टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे हमें लिखा लिखना है कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, और यहाँ पे ऐड यूज़ करना है, क्योंकि क्रिएट्स के लिए लिंक में हमें ऐड का यूज़ करते हैं और ये कॉन्टेक्स्ट पास करने हैं, और दिस टाइप्स मॉडल्स। और यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, यानी अब सेव होने के लिए रेडी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ट्रांजेक्शन्स डॉट कमिट यूज़ करते हैं, ट्रांजेक्शन को कमिट हो गया हमारे पास, और रिटर्न क्या करते हैं ट्रू, अगर सारी कंडीशन सही रही तो डेट्स वाई, और रिटर्न क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रू। अगर कोई एरर्स आता है बीच में तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन हो जाएगा रोल बैक, जो भी डेटा इंसर्ट हुआ वो दोबारा से रोल बैक हो जाएगा, तो फिर डेटाबेस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। डेट्स रीजन हम यूज़ करते हैं, आप रिटर्न कर देते हैं फॉल्स। तो हमारे पास ये ऐड का मेथड्स प्रॉपर ढंग से कंप्लीट है। अब हम सेकंड मेथड्स को देखते हैं, अब हम कैट बाय आईडी देखते हैं। फर्स्टली दिस मेथड्स को अब इंप्लीमेंट करेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स हमें भेजना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्टली यहाँ पर लिख देते हैं वेयर कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्ट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट्स यूज़ करेंगे, और इसके अंदर वेयर की कंडीशन लगाएंगे। आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए डॉट आई डी इक्वल टू आई डी टाइम्स हो गया, अगर इफ कॉन्टेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। अगर तो अब इसमें क्या रिटर्न करना है कि अब इसमें रिटर्न टाइप्स बनाना है, तो इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स रिटर्न करना है। तो फर्स्टली तो हम इसमें लिखेंगे रिजल्ट्स लिख देंगे, इसमें मॉडल्स लिख देते हैं वेयर मॉडल्स इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्ट मॉडल कॉन्टेक्स मॉडल्स एंड देन कल जो ब्रैकेट्स ओपन्स, और यहाँ पे एंटर्स करने के बाद अब यहाँ पे आई डी से आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट आई डीज, और सेकंड है हमारे पास ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्ट डॉट ईमेल आईडी, एंड थर्ड वन इज फुल नेम, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट फुल नेम, एंड लास्ट इज मैसेज। बाकी आप और भी कुछ फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं, क्रिएट सी क्रिएट ऑन लास्ट अपडेटेड डेट जिस टाइप्स यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नॉट अ इश्यू। हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं, दैट्स रीज़न। तो एक्चुअली ये हमारे पास मॉडल्स आ जाएगा, तो अब हम इसे क्या कर देंगे, रिटर्न्स कर देंगे मॉडल्स के नाम से, तो ये हमारे पास रिटर्न्स हो जाएगा। और इससे भी हम रिटर्न्स कर देते हैं अगर कुछ इशू आता है, अगर डेटा नहीं आता तो रिटर्न्स न्यू कॉन्टेक्ट्स मॉडल्स यानी ब्लैंक रिटर्न्स होगा हमारे पास। हमारे पास ये लिस्ट ऐड कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड गेट बाय आईडीज इस टाइप्स मेथड्स हमने
तो दिस टाइप्स मेथड्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर चुके हूँ। तो यहाँ पे सेगमेंट्स आपको कहते हैं एडिट्स, एड इज़ अ मेन पॉइंट। एडिट में हमें क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है तो मेनली यूजिंग ब्रैकेट ओपन वेयर ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। तो ट्रांजेक्शन्स यूज़ करने के बाद अब हम इसमें क्या करना है मेनली, तो यहाँ पे जाना है वेयर, तो वेयर यूज़ करना है यहाँ पे डेटा, डेटा यूज़ करने का यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे यूज़ करना है कॉन्टेक्स्ट, देन यहाँ पे लिखना है फर्स्ट, फर्स्ट और डिफॉल्ट्स मेनली यूज़ करना है, और ए ऑब्लिक लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करके, देन आई डी, देन इज इक्वल टू आई डी। तो एक्चुअली क्या है, जो ये आई डीज़ के बेस पे ये डेटा फैच करके लेके आएगा। तो हमारे पास क्या है, ये मॉडल्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार मॉडल्स डॉट आई डी यूज़ करते हैं, जो भी मॉडल्स के अंदर जो भी आई डीज़ हैं, और फिर दैन यूज़ करते हैं हम इफ़ यूज़ करते हैं डेटा नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास डेटा जो भी रिटर्न्स हो क्या है तो नल्स नहीं है, तो हमें क्या करना है, अपडेट्स करना है, तो यहाँ पे यूज़ करना है डेटा यूज़ करना है और देन फुल नेम, और यहाँ पे देन फुल नेम अगेन, और यहाँ पे यूज़ करना है डेटा ईमेल आईडी इज इक्वल टू द मॉडल्स डॉट ईमेल आईडी, और यहाँ पे हमें लास्ट में क्या यूज़ करना है, टर्मिनेटर्स यूज़ करना है, और यहाँ पे यूज़ करना है डेटास डॉट ईमेल आईडीज हो गए, और मैसेज हमारे पास हो गए यहाँ पे मॉडल्स डॉट मैसेज, हमारे पास ये तीन इनपुट टाइप्स हो गए, और हमें ये क्या यूज़ करना है, डेटास डॉट लास्ट अपडेटेड ऑन, जब जो हमने अपडेट कर रहे हैं तो उसकी जो टाइमिंग है तो भी हमें एक कॉड्स के लिए रखनी पड़ती है, डेट्स वाई। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, और इसमें यूज़ करना है क्या सिंबल्स है, कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्ट, जो हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट आ रहे हैं ये चीज यहाँ से आ रहा है, जो हमने कॉन्टेक्स्ट फाइल का जो एक ऑब्जेक्ट्स बना रखा है, सर्विस बना रखी है डेट्स वाइक्स, यहाँ पर यूज़ करना है अपडेट यूज़ करना है, और यहाँ पर डेटा कॉल करना है डेटा इस टाइप की डेटा, ये पूरे प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड्स आ जाएगा, और यहाँ पे यूज़ करना है कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, रिटर्न तो हमें यहाँ से ट्रू करना है सिंपल सा, हमें यूज़ करना है ट्रांजेक्शन्स डॉट कमिट, ट्रांजेक्शन भी कमिट करना जरूरी है, और डेट्स रीजन्स हमें ट्रांजेक्शन्स भी कमिट करना होता है, और ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो हमने यूजिंग्स यूज़ किया इसके अंदर, तो हमने जो देखा इसके अंदर ट्राई कैच हमने यूज़ नहीं किया, तो हमें ट्राई कैच को भी इम्प्लीमेंट्स करना है, तो ट्राई कैच पे टैब्स क्लिक करना है सिंपल से, हमें यहाँ से कट पेस्ट यूज़ करके और दैन यहाँ पे पेस्ट, आपकी पेस्ट करने के बाद अगर कोई भी एक्सेप्शंस आता है तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे लिखना है ट्रांजेक्शन्स डॉट रोल बैक, तो ये क्या हो जाएगा, रोल बैक्स हो जाएगा, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स को रिटर्न कर देंगे मेनली, और वहाँ पास ये हमारे पास जो एडिट्स का मेथड्स है ये प्रॉपर ढंग से कम्प्लीट हो गया है कहीं, हाँ तो यहाँ पर कर देते हैं रिटर्न, और यहाँ पे भी रिटर्न कर देते हैं फॉल्स, ये हमारे पास ये कम्प्लीट्स हो गया, प्रॉपर ढंग से एडिट्स का हो गया, हमारे पास लिस्ट टाइप्स मेथड्स कम्प्लीट हो गए, ऐड की भी हो गई, और गेट बाय आईडी, और एक लास्ट वन रह गया हमारे पास डिलीट का मेथड। तो हम इसमें क्या करेंगे, यूजिंग यूज़ करेंगे सेम एज यूजिंग, वेयर ट्रांजेक्शन्स यूज़ करेंगे इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन्स यूज़ करना है मेनली, और देन यहाँ पे कल्टी पैकेट्स ओपन एंड देन ये ट्राई कैच सिंपल सा, और यहाँ पे लिखना है वेयर डेटा इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्ट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट्स
यूज़ करना है इसमें। अगर आप फर्स्ट यूज़ करेंगे तो कभी बाय चांस अगर इसमें डेटास नहीं है तो देन वो एरर्स शो कर सकता है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है, यूज़ आईडी इफ यूज़ करना है मेनली, इफ डेटा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो देन ये रिमूव प्रोसेस काम करेगा। तो यहाँ पे लिखना है कॉन्टेक्स डॉट कॉन्टेक्स की टेबल से हमारे पास, तो यहाँ पे यूज़ करना है रिमूव और यहाँ पे डेटा हमें पास कर देना है सिंपल सा। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स डॉट सेव चेंजेस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो कॉन्टेक्स का ये दोनों सेम होना चाहिए, तो उसी में वो अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, कमिट कर देते हैं। अब कमिट करने के बाद आप यहाँ से क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं ट्रू। तो हमारे पास ये रिकॉर्ड्स तो डिलीट हो गए, तो यहाँ से क्या कर देते हैं रिटर्न। यहाँ पे क्या करते हैं रिटर्न फॉल्स कर देते हैं मेरे लिए। और अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स यूज़ करते हैं और डैट रोल बैक्स की कंडीशंस मेरे लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्या करते थे, रिटर्न फॉल्स फॉल्स ये रिटर्न हो जाएगा। तो हमारे पास ये पूरे प्रॉपर ढंग से हमने ये पूरी सर्विस हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए। और जो भी इसमें अनयूजेस है तो हम उसे रिमूव कर देते हैं, नहीं यूजेस है। तो इसमें परफॉर्मेंस का भी थोड़ा सा कोड क्वालिटीज का भी फर्क हो जाता है। डेट्स वाई ये हमारे पास जो मैथड्स है हमारे पास ये प्रॉपर ढंग से कम्प्लीट है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे वैल्यू पे इसमें। अब हम हमारे पास लाइब्रेरीज कम्प्लीट हो गए, डेटा का स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो गया प्रॉपर ढंग से। अब हम कंट्रोलर्स में जाते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं कंट्रोलर्स। और यहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं कंट्रोलर्स का, तो इसमें हम एमपीटी यूज करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट्स कंट्रोलर्स के नाम से। तो हमने ये कॉन्टैक्ट्स कंट्रोलर्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अब जो हमने जो सर्विस बनाया उसको कॉल भी करना है, उसको डिपेंडेंसी में ऐड करना जरूरी है क्योंकि कोड में। तो इसमें यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे जाना है सर्विस में डॉट ऐड ऐड स्कोप यूज करना है। और यहाँ पे लिखना है आई कॉन्टैक्ट सर्विस और देन कॉन्टैक्ट सर्विस सर्विसेस और देन ब्रैकेट्स एंड देन क्लोज। हमारे पास ये सर्विस का कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सी टी ओ आर करके। और यहाँ पे डबल स्टैम्प्स क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्राइवेट रीड ओनली आई कॉन्टैक्ट सर्विस देन यहाँ पे हमने एक सर्विस कॉन्टैक्ट की सर्विस प्रॉपर ढंग से यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब इसको अप्लाई करेंगे तो इसको हम कॉल कर देते हैं फर्स्टली। अब लिखते हैं कॉन्टैक्ट सर्विस और देन इक्वल टू कॉन्टैक्ट सर्विस। तो एपीआई क्रिएट करते हैं फर्स्टली गेट, हमारे पास जो एचटीटीपी गेट्स की एपीआई है देन उसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट, यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक आई नीड रिप्लेस एंड देन कॉन्टैक्ट मॉडल और गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट। और यहाँ पे हम वेयर यूज करते हैं, वेयर रिजल्ट्स इज इक्वल टू और देन कॉन्टैक्ट सर्विस और यहाँ पे लिखा गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम से और देन यहाँ पे इसे कॉल और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। तो एक्चुअली क्या है, ये हमारा पूरा लिस्ट टाइप्स की एपीआई हमारे पास बन जाएगी प्रॉपर ढंग से। और सेकंड्स हमारी जो एपीआई है एचटीटीपी गेट्स की बनाते हैं, एचटीटीपी गेट। इसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट गेट बाय आईडी, गेट बाय आईडी यूज करते हैं इसमें।
और देन यहाँ पे पब्लिक यूज़ करते हैं, पब्लिक यूज़ करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टेक्ट मॉडल्स, और जो हमारे पास हमने जो रिजल्ट्स में पास किया था उसको हम करते हैं ओके में पास कर देते हैं, और देन यहाँ पे तो ये हमारे पास डेटाज पास हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्ट मॉडल, और देन हमें यहाँ पे लिखना है गेट कॉन्टेक्ट डिटेल्स बाय कॉन्टेक्ट डिटेल्स बाय आईडी। तो पैरामीटर्स भी देना हमें तो सिंपल से है, यूनिट यूज करना है और यूनिट आईडी यूज करना है। तो मीन्स हमारे पास वेर रिजल्ट्स इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट डॉट गेट बाय आईडी, और यहाँ पे हमें पास करने हैं। तो अब इसके अंदर क्या आएगा, मेनली रिजल्ट्स है अगर रिजल्ट्स, और तो हम इसमें कर देते हैं रिजल्ट्स डॉट इसमें आईडीज ले लेते हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो नहीं है तो ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ओके, यानी जो इसका स्टेटस होगा वो 200 होगा। अगर है अगर कोई इशू आता है तो देन यहाँ पे नॉट फाउंड यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा रिजल्ट नॉट फाउंड। अब हमारे पास दो मेथड्स प्रॉपर ढंग से बन चुके हैं, सेम एज इसमें क्या यूज़ करते हैं ओके मीस यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इसमें यूज़ करने में एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट्स दिस टाइप्स। तो हमें एक्शंस रिजल्ट्स ऐसे यूज करना है, आई वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं मेरे लिए, ये हमारे पास एक्शन रिजल्ट्स हो जाएगा। ओके तो ये एक्शन रिजल्ट्स हैं दिस टाइप सेम एज यहाँ पे एक्शन और इसके अंदर इसको ऐड कर देते, ये इस टाइप्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे इसको आईडीज दे देते सिंपल्स। तो हमारे पास ये दो एपीआईज प्रॉपर ढंग से क्रिएट हो गई। अब हमें क्या बनाना है, पोस्ट की एपीआई बनानी है, एचटीटीपी पोस्ट, पोस्ट की एपीआई बनानी है, और यहाँ पे लिखना है पब्लिक, और जो इसमें रिटर्न टाइप होगा वो रिटर्न टाइप है, तो एक्शंस रिजल्ट्स बूलियन यानी ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट क्रिएट कॉन्टेक्ट्स, कॉन्टेक्ट्स क्रिएट दिस टाइप से नहीं हो जाएगा, कॉन्टेक्ट मॉडल ये पैरामीटर चाहिए, कॉन्टेक्ट मॉडल तो अब कंटिन्यू करते हैं इसमें। इसमें क्या करने के हमें क्रिएट्स का मेथड्स बनाने, तो सिंपल सा मेथड्स है इसमें क्रिएट्स का। तो इसमें क्या करना है हमें एग्जैक्टली वेर रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू यहाँ से करना है कॉन्टेक्ट सर्विस, और यहाँ पे हमें क्या करना है ऐड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और यहाँ पे मॉडल्स पास करना है इसलिए। तो जो भी रिस्पॉन्स होगा आएगा इसमें, अगर इफ रिस्पॉन्स ड्यू टू ये कंडीशंस होगी देन यहाँ पे रिटर्न्स हो जाएगा ओके, रिटर्न्स ओके रिस्पॉन्स, सेम एज यहाँ पे रिस्पॉन्स इसको पास कर देंगे एग्जैक्टली। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, ट्राई कैच यूज करते हैं मेनली, ट्राई कैच रहने देते हैं बाद में, और यहाँ पे एल्स में क्या हो जाएगा मेनली, एल्स में रिटर्न कर देंगे इसमें नॉट नॉट फाउंड देन रिस्पॉन्स फॉल्स की कंडीशन, और सेम मेथड्स हमें क्या करना है एडिट्स में बनाना है इसे। तो हमें इसे क्या करना है, कॉपी, और एक्चुअली यहाँ पे क्या करना है लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है ऐड कॉन्टेक्ट, तो हमारे पास ये एड्स का मेथड हो जाएगा स्टडी पोस्ट का, सेम कॉपी पेस्ट करना है।
करके हमने वहाँ पे लिखते हमने एडिट कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे लिखेंगे एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल से क्या करना है एडिट कॉन्टैक्ट्स सर्विस पास करनी और सेम रिस्पॉन्स। चलिए अब जैसे हम अप्लाई करते हैं एक उसमें यूज़ करके देखते हैं पोस्टमैन में, यानी ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है प्रॉपर ढंग से। एग्जैक्टली चेक करते हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट है और इसको हम एक बिल्ड करते हैं, बिल्ड प्रोसेस करते हैं, बाकी देखेंगे इसमें जो भी इस एरर आ रही है इसके अंदर उसको सॉल्यूशन करेंगे फर्स्टली। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं विदाउट डिबगिंग कर देते हैं और हमारे पास ये प्रॉपर ढंग से पोस्ट मैंने तो एक कलेक्शन की तब तक ऐड कर देते हैं इसमें, यहाँ लिख देते हैं वेब एपीआई कलेक्शन के नाम से क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे हमें सर्विस क्रिएट करनी है तो सिंपल से ऐड रिक्वेस्ट यूज़ कर लें ऐड रिक्वेस्ट और यहाँ पे देते हैं गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट करते हैं और यहाँ पे सेव डिस्टाइज। तो एक्चुअली अब इसका देखते हैं रिस्पॉन्स, तो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट्स की थी हमने जो पेज बनाई थी ये प्रॉपर ढंग से बन चुकी है। एग्जैक्टली सिंपल सा है, इसमें लिंक्स टाइप है, ये आईडीज हैं और अभी हमारे पास जो टेबल्स में डेटा है वो कुछ नहीं है तो इसमें हम अप्लाई करेंगे इंप्लीमेंट कर देखते हैं। आप कॉल करके देखते हैं वन बाय वन एपीआईज को। तो सबसे पहले हम कॉल करते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट को, अभी हमारे पास डेटा नहीं है तो देखते हैं रिटर्न्स ओके क्या आता है। एग्जैक्टली एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर आप यूआरएल्स चाहिए, हमें एक पूरा यूआरएल्स चाहिए। पहले तो यूआरएल्स यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद ये पूरी जो हमारे पास एपीआईज है जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट लिस्ट की एपीआई है इसको कॉपी करेंगे, करने के बाद देन यहाँ पे तो इस टाइप से। तो एक्चुअली क्या है जो हमारे पास ये यूआरएल ये कॉमन हो जाता है तो कॉमन्स यूज़ करने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट सेटअप कर देते हैं फर्स्टली। जैसे कि मैंने ये एनवायरनमेंट सेटअप कर रखे तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वेब एपीआई एनवायरनमेंट। तो ये वेब एपीआई एनवायरनमेंट सेट हो गया। तो अब हम इसमें क्या करते हैं यूआरएल कर देते हैं या फिर लोकल यूज़ करते हैं, लोकल्स भी हम सिंपल्स के लिए यूआरएल यूज़ करते हैं। तो इसमें यूज़ क्या करना है, ओनली यूआरएल लिखना है और देन यहाँ पे आपको पेस्ट करना है यूआरएल सेम एज करंट वैल्यू और एनवायरनमेंट्स और इसमें सेलेक्ट क्या करना है हमें। तो अब जो हमारे पास जो यूआरएल्स की जगह है हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं यूआरएल। तो दिस टाइप्स ये आइकन्स बन के जाएगा और यहाँ पे जो आपका यूआरएल्स हो तो ये यूआरएल्स शो करेगा। तो हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट लिस्ट हो गया यहाँ पे और एड्रेस में हमें क्या पास करना है, यहाँ पे लिखना है कंटेंट्स टाइप्स यूज़ करना है और यहाँ पे यूज़ करना है एप्लीकेशन स्लैश जीएसएन। यहाँ पे आपको क्या करना है सेंड क्लिक करना है सिंपल सा। सेंड करने के बाद जो भी रिटर्न आएगा तो ये हमारे पास एरर शो कर रहा है तो फर्स्टली नो इशू, इसे एरर को भी रिसॉल्व करेंगे। तो हम पहले एपीआईज पे जाते हैं फर्स्टली अब इस एप्लीकेशन को एक बार रन कर देते हैं विथ डीबगिंग, देखते हैं इसमें क्या एरर्स हैं। तो हमने यहाँ पे डीबगिंग्स लगा दिए तो हमारे पास ये एप्लीकेशंस भी रनिंग हो चुका है, प्रोसेस प्रॉपर ढंग से रनिंग हो चुका है। अब इसको एग्जीक्यूशन करते हैं फर्स्टली और इसको अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे पोस्ट पे सेंड पे क्लिक करके कॉन्टेक्ट लिस्ट। तो हमें एपीआई की जो हिट होनी चाहिए यहाँ पे होनी चाहिए तो ये क्या कर रहेगी कनेक्शन, अच्छा तो ये हमारे जो कनेक्शंस हैं उसमें कुछ एरर्स बता रहे हैं तो इसको रिसॉल्व करते हैं फर्स्टली या इसमें एरर्स हैं जाते हैं यहाँ पे जाते हैं
तवे से इंटीग्रेटेड सर्किट टू है ये रैक्सन स्ट्रिंग्स एस करके देखता हूँ एक बार, शायद मेरे को इसमें लग रहा था थोड़ा सा दिक्कत होगी। चलिए एप्लीकेशन को रन करते हैं और देन ये पोस्ट मैट्रिक्स में दोबारा गैन से हमारे पास ठीक है। तो ये थोड़ी सी एस की दिक्कत थी जो कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड किया था, तो स्टेम्स ये कनेक्शन स्ट्रिंग में एस आएगा प्रॉपर ढंग से तभी वो देन वो रीड कर सकता है प्रॉपर ढंग। तो क्या हमारे पास आगे रिजल्ट्स में क्या आया है, हमारे पास जो भी डेटा है वो जीरो आया अकाउंट, क्योंकि अभी हमारे पास डेटाबेस में कुछ भी डेटा रिकॉर्ड्स नहीं है, डेट्स रीजन से ये प्रॉपर ढंग से ये सारे डेटा भी न लाए। तो जो हमारे पास पोस्टमैन है तो इसमें नल वैल्यू है, नो इशू, कोई नहीं नल आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास गेट कॉन्टेक्स्ट हो गया और अब हमें पहले एक क्रिएट भी करना है फर्स्टली, तो फर्स्ट वाला ऐड मेथड्स करते हैं और इसमें लिखते हैं ऐड कॉन्टेक्ट। तो इसमें लिखते हैं ऐड कॉन्टेक्ट और देन यहाँ पे सेव। तो ऐड कॉन्टेक्स्ट है जो हमारा पोस्ट मेथड है, तो उतरने यहाँ पे पोस्ट अप्लाई कर देंगे और इसे हम सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा आइकन्स और यहाँ पे यूज़ करेंगे मेनली URL यूज़ करेंगे, देन यहाँ पे स्लैश यूज करने के बाद जो भी हमारे पोस्ट मेथड्स हैं ऐड डिटेल्स, तो इस पर हम इसको कॉपी कर लेंगे पूरे URLs को। कॉपी करने के बाद और देन यहाँ पे पेस्ट, तो हमारे पास ये हो गया। और हेडर्स में लिखेंगे क्या लिखेंगे, हमें कंटेन टाइप यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशंस JSON स्लैश JSON और हमें पोस्ट करना है डेटा तो हमें REWs यूज़ करते हैं। तो इसमें जो हमारा जो स्वैगर हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो ये एक मैथड्स बन के आ रहा है प्रॉपर ढंग से, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट, तो अभी हमारा ऐड मैथड है तो इसमें हम फुल नेम दे देते हैं, अपना नाम दे देता हूँ मैं रवि कुमार और ईमेल आईडी दे देता हूँ रवि इन्फोटैक 01@gmail.com एंड मैसेज दे रखा हूँ, मैसेज में देता हूँ मैं टेस्ट मैसेज। तो एक्चुअली क्या है, ये आप टेबल्स में देखेंगे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है और मैं इसमें डिबगिंग्स भी लगा देता हूँ ऐड कॉन्टेक्स्ट में, इसमें देखेंगे कैसे कैसे ये प्रोसेस काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पोस्ट मैथड्स में जाता हूँ एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ सेंड करने के बाद हमारे पास ये मॉडल्स में जो भी है डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ऐड आने के बाद F10 देन F11 यूज़ करना है, F11 यूज़ करके यहाँ पे डेटा फैच हो गया प्रॉपर। अब ये क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स बिगिन कर दिया और देन ये कॉन्टेक्स के जो फोल्डर्स हैं इसके अंदर सेव करा दिया। तो ये context.context.add के अंदर डेटा ऐड हो गया और यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कमिट और ये रिटर्न ट्रू। अब यहाँ पे टेबल्स में देखेंगे तो एक हमारे रिकॉर्ड्स ऐड हो गए प्रॉपर ढंग से, तो दिस टाइप्स रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। अब हम सेकंड रिकॉर्ड्स भी ऐड करते हैं और इसमें हम डिबगिंग्स नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं हम डिबगिंग्स को हटा देते हैं फर्स्टली। सेकंड रिकॉर्ड्स के लिए नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, जो फुल नेम है राम दे देता हूँ और यहाँ पे जो मेल आईडी देता हूँ ram@gmail.com और यहाँ पे मैसेज में लिख देता हूँ आई वॉन्ट टू डेवलप वेब API सर्विसेज। तो सेम्स यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ, तो मैंने डिबगिंग्स नहीं लगाया तो यहाँ पे ट्रूज रिटर्न आ गया। और हम ये जो हमारे पास लिस्ट टाइप्स हैं तो इसकी लिस्ट API यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ये इससे ये पता लगे कि हमारे पास दो रिकॉर्ड्स बन चुके हैं और हमारे पास दो APIs हमने और बनाई थी इसके अंदर, जो कि ऐड हो गया एडिट हो गया गेट बाय ID और इस दो API को एक बार टेस्ट कॉल करते हैं। तो यहाँ पे जाना है हमें ऐड पे जाना है और अब हमारे पास जो गेट बाय ID है उसको एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं गेट कॉन्टेक्ट डिटेल्स बाय ID
जो भी डिटेल्स होगी वो बाय आईडीज होगी, और तो ये सेव नहीं हुआ तो दैट्स वाई वो कॉपी नहीं हुआ प्रॉपर ढंग से। कोई नहीं, हम इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यू आर एल, कॉल करते हैं सिंपल सा लोकल्स का जो भी यू आर एल्स वर्किंग इन प्रोसेस में। तो हमारे पास जो भी है ये गेट बाईस आई डी है, तो इसे मैं करता हूँ कंट्रोल सी कॉपी। कॉपी करने के बाद देन यहाँ पे पेज, और यहाँ पे एक डबल स्लैश आया तो एक स्लैश हटा देता हूँ, और हेडर में जाते हैं। हेडर्स में जाने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट, कंटेंट्स टाइप्स यूज़ करता हूँ, और देन यहाँ पे यूज़ करता हूँ एप्लीकेशंस जेसन, जेसन्स यूज़ करते हैं। और तो एक्चुअली क्या है जो इस ए पी आई में है, और ये गेट की ए पी आई है तो ये आई डी भी चाहिए इसको। तो हमने क्या देखा था, जो हमारे पास लिस्ट टाइप्स जो ए पी आई है इसके अंदर दो आई डीज आ रही हैं, वन और टू, तो हमें ये आई डीज पास करनी है। तो हमें यहाँ पे जाके पास करना होगा पैरामीटर्स में, और जो हमारे जो आई डीज का नेम है सेम टू सेम एग्जैक्ट वो नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू में देता हूँ वन, और मैंने एड्रेस में देगा कंटेंट टाइप्स ये सन। तो ये यहाँ पे सेंड करते हो तो ये हमारे पास रिटर्न्स आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं टू लिखता हूँ देन यहाँ पे सेंड। तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत जने ये मिस करते हैं, कंटेंट टाइप यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, ये बहुत जने मिस करते हैं, तो इसके वजह से आपको एरर फेस करना पड़ेगा। तो आपको हेडर्स यूज़ करने का, आप थ्राइज यूज़ कर रखें, आपको यहाँ से टोकन्स भी पास करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखने का ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन और होते हैं, आपको पास करना पड़ेगा टोकन्स। ये पोस्टमैन्स पे बहुत ही मेन्स कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे लिए। तो हमारे पास दो, एक दो तीन सी पी आईज हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक ए पी आईज है हमारे पास एडिट की ए पी आई, तो उसको भी कॉल करते हैं। तो ये ऐड कॉन्टेक्स्ट की ए पी आई थी, हम इसे डुप्लीकेट से क्रिएट कर देते हैं, और देन इसको रिडीम कर देते हैं एडिट कॉन्टैक्ट, एडिट कॉन्टेक्ट्स हो गया। और तो हमें क्या करना है, इसमें जो हमारे पास एडिट कॉन्टेक्ट्स है जो पेज का नाम है, तो ए पी आई का नाम दिस टाइप्स इसका ए पी आई, यहाँ पर मैं जाता हूँ और देन यहाँ पे जाता हूँ स्लैश लिखता हूँ देन यहाँ पे इस तो एडिट्स कंटेंट्स टाइप्स हो गया एक्चुअली क्या, जो हमारा लिस्ट टाइप से रिटर्न आ रहा है, तो हमारे पास ये पूरा प्रॉपर ढंग से रिटर्न आ रहा है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अब मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, राम का है इसकी जो आई डी से टू है, तो राम कुमार यूज़ करता हूँ इसमें, और मेल आई डी में भी कुमार यूज़ कर लेता हूँ @gmail.com। और तो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आई वॉन्ट टू बिकम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ये हमारे पास मैसेज हो गया, और ये राम्स कुमार जो आई डीज है इसको हम एडिट यूज़ करें, और ये पोस्ट मेथड्स हैं, तो इसे हम सेव कर देते हैं पहले तो। और जो हमारे हेडर्स में हैं वो एप्लीकेशन जेएसएनस कंटेंट टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं। अगर ये रिटर्न ट्रू करता है तो ये ऑलरेडी इसने ट्रू रिटर्न किया है, तो यहाँ का मतलब वो एडिट हो चुका है। तो ये हमारे पास लिस्ट टाइप्स हैं, तो इसमें हम देखते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गया है राम का। अगर आई डीज के बाई बेसिस पे भी करेंगे टू सेंड करेंगे दैन यहाँ पे भी चेंज हो गया। इस वीडियो में हम एक डिलीट्स का मेथड्स बनाएंगे। इसके अंदर डिलीट्स का मेथड्स पहले फर्स्टली बनाते हैं, इसमें लिखना है सेम एज मैं एस टी पोस्ट जो मैं हमारा एडिट्स मेथड्स मैं एग्जिट इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एस टी टी पी डिलीट्स आप यहाँ पे पोस्ट भी ले सकते हैं, पोस्ट में भी सेम मेथड्स काम करेगा। और यहाँ पे देता हूँ तो मैं यूनिट ओनली आई डीज दे देता हूँ, क्योंकि इसमें हमें ओनली आई डी चाहिए, तो डेट्स वाई आई डी। और यहाँ पे जो हमने सर्विस बनाई थी डिलीट्स की, तो उसे कॉल कर देते हैं। डिलीट्स कॉन्टेक्ट्स की हमने सर्विस कॉल कर दी, और यहाँ पे सेम एज बूलियन टाइप जो भी रिटर्न आएगा देन दिस टाइप्स। ठीक है, मेथड्स को हम रन करके देखते हैं और चला के देखते हैं इसका फीडबैक क्या है।
तो ये हमारे पास एप्लीकेशन थ्रेड होंगे और ये हमारे पास ये डिलीट्स का मेथड हो गया। इसमें क्या पास करने है, ओनली आईडी पास करनी है और देन ये रिटर्न्स करेगा। तो अब जो हमारे जो लिस्ट टाइप है इसके अंदर टू रिकॉर्ड्स आ रहे थे फर्स्टली, तो हम एक डिलीट्स का मेथड्स बनाते हैं इसमें एस टी डी पोस्ट रिक्वेस्ट में और यहाँ पर जाते हैं ऐड पे, दिखते हैं कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट डिलीट देन सेव और ये गेट है तो इसको हम कर देते हैं डिलीट्स यूज करते हैं इसके अंदर और इसके अंदर पास करते हैं यूआरएल सेम एज यूआरएल्स एंड देन और हम एपीआईस पे जाएंगे फर्स्टली और देन यहाँ से कॉपी। तो एक्चुअली क्या है इसमें नेम्स हैं एडिट्स कॉन्टेक्ट, इसका नेम भी चेंज कर देते हैं एक्जैक्टली, नेम चेंज कर देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट डिलीट्स कॉन्टेक्ट्स और देन यहाँ पे फिर सेकेंड्स रन एप्लीकेशन को और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं हम डिलीट्स कॉन्टेक्ट्स डिटेल्स देन अगेंस एप्लीकेशन को रन करते हैं और दिस इज एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इस एप्लीकेशन को। तो हमारे पास जो फीडबैक्स है ये डिलीट्स कॉन्टेक्ट्स के नाम से सारा कुछ सही है और हमारे पास ये है इस टाइप्स और पहले हम इसको कॉपी कर देते हैं यूआरएल्स को दिस टाइप्स कॉपी कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद और पैरामीटर्स है इसके अंदर आईडीज जो हमें रिकॉर्ड्स हम डिलीट करते हैं ये फर्स्ट वाला करते हैं और इसमें आईडी देते हैं फर्स्ट और हेडर्स में पास कर देते हैं कंटेंट टाइप कंटेंट टाइप यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस जेसन्स यूज़ करेंगे इसमें और देन हमने यहाँ पे ऑलरेडी पैरामीटर्स में दे दिया तो अब यहाँ पे करते हैं सेंड सेंड पे क्लिक करते हैं और देन जो हमारे पास कंडीशन है टू रिटर्न्स आ गया। अब देख लेते हैं डिलीट्स हुआ है कि नहीं रिकॉर्ड्स, तो हमारी लिस्ट टाइप से हमारे पास दो लिस्ट आ रही तो हमारे पास ये एक लिस्ट बसी है तो इसका मतलब ये डिलीट प्रोसेस वर्किंग है। तो ये हमारे पास एक एपीआई की वेब सीरीज थी, काफ़ी लंबी हो गई सीरीज क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाई स्टेप एक्सप्लेन कराता हूँ। तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोस पे, देखेंगे कौन सी हमारी वेब एपीआई की नेक्स्ट वेब सीरीज की वीडियो है। ओके आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, गुड नाइट।